नमस्कार नमस्ते नमस्ते सभी का स्वागत है पूजा मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देश की आजादी के 75वें साल के खास मौके पर यूपी को 75 योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम आज लखनऊ आ रहे हैं, यहाँ 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यू अर्बन इंडिया एनक्लेव की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरप्रीत सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पाटिल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद होंगे। 26 सितंबर को हुई राजस्थान अध्यापक आरईईटी को लेकर कई सवाल उठ रहे। परीक्षार्थी इस परीक्षा को दोबारा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि परीक्षा दोबारा नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया है कि परीक्षा को लेकर अगर कोई शिकायत मिलेगी तो सच्चाई का पता लगाया जाएगा, गड़बड़ी की पुष्टि होने पर उस सेंटर पर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग की अगली बैठक में अगर हमें जाने का मौका एक बार फिर मिल जाए तो हम एक एक बात फिर से उनके सामने रखेंगे। असेसमेंट करने से पहले बुनियाद चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। इस रिपोर्ट पर बिहार सरकार अपना जवाब भेजेगी, यह उपयुक्त नहीं है। बिहार में हुए कार्यों पर गौर किए बिना रिपोर्ट जारी करना ठीक नहीं होता है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जारी है। इसके लिए कोरोना नियमों के पालन के साथ श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित रखी गई है, जिससे कई लोगों को दिक्कत भी हो रही है। इस बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं। कहा कि उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद हर ओर केवल एक ही नाम चर्चा में बना हुआ है, वो है समीर वानखड़े। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े के नेतृत्व में ही आर्यन खान समेत 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है ड्रग्स मामले में। समीर वानखड़े ने कहा कि मशहूर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप नियमों को तोड़ना अधिकार आपका हो। यह बात समीर वानखड़े ने आर्यन की गिरफ्तारी के बाद कही है। तो ये तो आज की बात बड़ी खबरें। जी डर की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।